खबर राजधानी के पटना से आ रही है, जहां पटना के बेऊर थाना अंतर्गत सिपाड़ा में बीच सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। बताया गया है कि बीते 18 दिसंबर को पैसे बकाया होने के कारण दुकानदार और विकास के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल दुकान में काम करने वाले विकास कुमार पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर दुकानदार ने पिटाई कर उसे जिंदा जला दिया था, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों द्वारा बेहतर उपचार के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि घटना को लेकर क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है, साथ ही तनाव का माहौल व्याप्त है। मौके पर पहुंची पटना पुलिस ने कहा, हम लोग मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। कुमार जो PSH नामक एक दुकान में काम करता था, तो पैसे के बकाए को लेके कुछ इशू हुआ, जो हम लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, पैसे को लेके कुछ इशू हुआ था, तो उसी क्रम में विकास कुमार की मृत्यु हो गई है जलने से। 18 तारीख की घटना थी और आज उसकी मृत्यु PMCH में हुई थी, तो अब आगे का जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। रास्ता चालू करवाइए। खबर राजधानी के पटना से आ रही है, जहां पटना के बेऊर थाना अंतर्गत सिपाड़ा में बीच सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। बताया गया है कि बीते 18 दिसंबर को पैसे बकाया होने के कारण दुकानदार और विकास के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल दुकान में काम करने वाले विकास कुमार पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर दुकानदार ने पिटाई कर उसे जिंदा जला दिया था, जिसके बाद उसे स्थानीय लोगों द्वारा बेहतर उपचार के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि घटना को लेकर क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है, साथ ही तनाव का माहौल व्याप्त है। मौके पर पहुंची पटना पुलिस ने कहा, हम लोग मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। कुमार जो PSH नामक एक दुकान में काम करता था, तो पैसे के बकाए को लेके कुछ इशू हुआ, जो हम लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, पैसे को लेके कुछ इशू हुआ था, तो उसी क्रम में विकास कुमार की मृत्यु हो गई है जलने से। 18 तारीख की घटना थी और आज उसकी मृत्यु PMCH में हुई थी, तो अब आगे का जो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे।